तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। मेरे भाई के बारे में उन्होंने गलत सलत जो भी न्यूज़ करी हो, लेकिन उसको मेरे साथ जोड़ना वो कहीं ना कहीं गलत था। वो सर्वोच्च पद है हमारे देश का एक, और जिसको जो मानना है उसके मानने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। दो दिन पहले विधायक गीता जैन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि उनकी और उनके परिवार की आय किस आय और संपत्ति की जांच की जाए। इस वक्त मेरे साथ में कैप्टन पुरोहित है, आइए जानते हैं कि इस तरीके का जो पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है, तो उनकी नजर में इस पत्र का क्या मायने, क्या कहेंगे आप इस तरीके का जो पत्र लिखा गया? अगर श्रीमती गीता जैन ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है कि उनकी आय व्यय का के संदर्भ में इंक्वायरी हो और उनको पता लगे सरकार उनके बारे में, डिपार्टमेंट उनके बारे में क्या बोलता है, मेरा दृष्टिकोण ये है उनका कदम सही है और राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। मीरा भाईंदर की राजनीति में पिछले 40 वर्ष से काफ़ी उतार चढ़ाव बदलाव देखे हैं। पत्रकारिता के अपने 40 वर्ष अनिल रेणु ने दिए हैं, और जिस तरीके से गीता जैन ने इस समय जो पत्र दिया है, तो उस पत्र के संदर्भ में उनकी क्या राय है जानते हैं। क्या कहेंगे आप जो पत्र जिस तरीके से दिया और जो हालात माहौल मीरा भाईंदर के उसको देखते हुए? मीरा भाईंदर में जिन्होंने लेटर दिया है वो गीता जैन ने, वो भी काफ़ी साल से यहाँ पे है, राजनीति में है। उनके ससुर जी हैं वो भी राजनीति में है, लेकिन उन्होंने वो सांसद सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसा ये पत्र देना सांसद में पत्र देना उचित नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति का अधिकारी नहीं है। जो भी उनका अधिकार है वो लोकल वाइज का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो मिनिस्टर को देना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत लग रहा है। नहीं नहीं, एक बात तो और ये साफ स्पष्ट होती है कि अगर उनको अपनी आय से अधिक संपत्ति हो या आय के मामले में उनको अगर जानकारी लेना, तो वो ईडी को भी दे सकते थे, सीबीआई को भी दे सकते थे, प्रशासनिक तौर पे दे सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को चुना, तो ये क्या चीज़ हो सकती है? नहीं, वो तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे पब्लिसिटी स्टंट ये शहर में बहुत सारे राजनीतिक लोग करते रहे, और जो उचित जगह देते थे तो उनका डिमांड जो था वो सही है ऐसा माना जा सकता था, लेकिन जिसका अधिकारी नहीं है, जिसके पास जाने की जरूरत नहीं थे, उनको देना उचित नहीं है। तो ये थे अनिल खेड़ेकर, वरिष्ठ पत्रकार, 40 सालों से मीरा भाईंदर के राजनीति में अपना वसब रखते हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि जिस तरीके से गीता जैन ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी है। अगर उन्हें अपनी जांच ही करवानी थी तो वो सीबीआई के डायरेक्टर को दे सकते थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दे सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति को देख के सोशल मीडिया पे इस तरीके का पत्र वायरल करने कर सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी कर रहे, ऐसा अनिल खेड़ेकर का मानना है। अब इस बारे में ज़्यादा गीता जैन और वही बता सकती है, लेकिन मीरा भाईंदर के अगर सियासी हलकों में इस पत्र का बात करें तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जितनी भी बातें पिछले दिनों मीरा भाईंदर में हो रही है, चाहे वो प्रोटोकॉल को लेकर जब हुआ सीएम साहब वगैरह, देवेंद्र फडणवीस पूर्व सीएम वगैरह आए यहाँ, और जो प्रोग्राम हुआ वो कवायद वहीं से चालू हो गई, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का, नरेंद्र मेहता पे रेड होना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जोड़कर देखी जा रही है। इस वक्त मेरे पास प्रकाश नागने जी खड़े हैं, भाईंदर में रहते हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, उनकी क्या भूमिका है, आइए उनसे जानते हैं। या संदर्भात माझी भूमिका हीच असेल की ज्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून विद्यमान आमदार यांनी जे महामहिम राष्ट्रपती यांना जे पत्र दिलेलं आहे तो एक राजकीय स्टंटबाजी अशी मला वाटते, कारण असे असंख्य लोकप्रतिनिधी आहेत, विविध राज्यांमध्ये आहेत, देशामध्ये आहेत, लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करतात, राज्यसभेचे करतात, आणि विविध राज्यांमध्ये आमदार आहेत, मग एकमेव आमदार यांनी ही जी प्रतिक्रिया किंवा पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे की माझी चौकशी करा, तर त्यांचा वैयक्तिक जरी प्रश्न झाला तरी हा एक पब्लिसिटी स्टंट वाटतोय, असंच यामागचा हेतू दिसतोय त्यांचा। तो प्रकाश नागने जी का भी मानना है कि विधायक गीता जैन ने जांच के लिए जो पत्र दिया है ये स्टंटबाजी है और इसके अलावा ये कुछ नहीं। पत्रकारों की राय हमने जानी। अब इस वक्त मेरे साथ में भावना तिवारी जी है, सोशल वर्कर है, और जो पत्र दिया है विधायक गीता जैन ने उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? नमस्कार आप सभी का। जो पत्र दिया है वो पत्र मैंने कल पढ़ा,
पत्र पढ़ने के बाद एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आई है कि खुद की ही संपत्ति का ब्यौरा और खुद की ही संपत्ति की जांच राष्ट्रपति जी से कराने का ये मेरा जो समन्वय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई विधायक हो या कोई राजनेता ये खुद की संपत्ति की जांच कराने के लिए कभी किसी को पत्र दिया है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि पता नहीं ऐसे हमारे राजनेताओं को सजेस्ट कौन करता है। अभी जो गृह राज्य मंत्री हैं अमित शाह जी, अगर वहाँ मुझे ऐसा अगर ये सुनने में आता है कि उनको कहा गया है कि संपत्ति का जो भी ब्यौरा है आप लीजिए, या किसी ने भ्रष्टाचार किया है वो संपत्ति का आप इसके ऊपर कुछ छानबीन कराइए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आती कि आपने कहीं सही जगह पे टारगेट किया। इस वक्त मेरे साथ में विनोद मिश्रा जी है, मीरा भाईंदर के सीनियर पत्रकार है, सामना जैसे प्रतिष्ठित अखबार के वो रिपोर्टर है, और गीता जैन का जो जांच का पत्र है राष्ट्रपति महोदय को, उनको उस पत्र के संदर्भ में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, उनकी जुबानी में जानते हैं। देखिए, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा जो सरकारी एजेंसियों के मार्फत जांच चलाई जा रही है, ईडी है, सीबीआई है, उसकी कहीं ना कहीं आलोचना भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके तारीफ भी हो रही है। अभी अभी हमारे शहर में जो पूर्व भाजपा विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई एंटी करप्शन विभाग से, आय से अधिक संपत्ति को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब गीता जैन जी ने जो राष्ट्रपति को पत्र दिया है उसको इसी एंगल से जोड़ के लोगों में चर्चा है कि, और थोड़ा आश्चर्य भी है कि जहाँ एक तरफ केंद्रीय जाँच एजेंसियों की आलोचना हो रही है और ऐसे समय में गीता जैन जी राष्ट्रपति को पत्र भेज रही है कि मेरी संपत्ति की जांच की जाए, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। इस वक्त मेरे साथ सोरना जी है, पत्रकारिता से लेके ये नगर सेवक भी रह चुके हैं, मीरा भाईंदर में काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है और आम आदमी से लेके राजनेता इनको जानते हैं, और वो इस पत्र के संदर्भ में उनकी क्या राय है ये जानते हैं। सोरना जी से क्या कहेंगे आप? मीरा भाईंदर के विधायक गीता जैन जी ने जो पत्रकार सम्माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी को जो पत्रकार किया है उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट MLA भी है यहाँ की शहर की, और एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई है जिनके ससुर जी फादर इन लॉ राजस्थान के MP रह चुके हैं, मीरा भाईंदर के एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, तो लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इनका घर में जो भी इनकम आता होगा अवैध माध्यम से आता होगा। इस तरीके का लोगों का जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के समय पर नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो भी डिटेल दिया है उस पर्टिकुलर के साथ और आज के उनके पत्र व्यवहार के साथ अगर टैली करें तो पता चल जाएगा कि वो कितनी सच है कितनी झूठ है। लेकिन उन्होंने जो भी इस तरह से सोशल मीडिया में डालकर उल्टा, मैं ऐसा समझता हूँ कि हर कॉमन आदमी को उन्होंने एक प्रकार का जानकारी दी है कि मैं क्लीन हूँ। नरेंद्र मेहता के यहाँ पे एंटी करप्शन की रेड गिरने के बाद विधायक गीता जैन ने अपनी खुद की और अपने परिवार की जांच करने की मांग राष्ट्रपति महोदय से की। इस पत्र, ये पत्र वायरल होने के बाद शंका विशंकाएं लोगों में, तर्क वितर्क, अलग अलग चर्चाएं, स्टंटबाजी की बातें चल रही है। इस वक्त मेरे साथ में विधायक गीता जैन है, इस पत्र लिखने का मकसद क्या है और जिस टाइमिंग पे लिखा गया क्या वो वक्त सही था क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी, जब से विरोधकों ने कुछ आरोप करना चालू किया था तब से थे, आज से नहीं थे। लेकिन होता है कभी कभी कोई चीज़ जिस वक्त होनी है उसी वक्त होती है, तो मैंने ये पत्र लिखा। उसके पीछे के मकसद ये था कि आप जानते हैं मेरा परिवार कितने सालों से यहाँ रहता है और मेरे ससुर जी भी यहाँ की राजनीति में सक्रिय थे, काफ़ी पद उन्होंने भी सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष और फिर MP तक के उनका भी प्रवास रहा है, मेरा भी एक नगर सेविका से मेयर और आमदार का प्रवास रहा है, और अभी तक लोगों का ये विश्वास हमारे परिवार पे है कि ये भ्रष्टाचार नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। कुछ विरोधियों ने इस बात का संभ्रम फैलाना शुरू किया था, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले आप देखेंगे कि मेरे भाई के बारे में उन्होंने गलत सलत जो भी न्यूज़ करी हो लेकिन उसको मेरे साथ जोड़ना वो कहीं ना कहीं गलत था। देखिए, कौटुंबिक रिलेशन है और रहेंगे,
खून के रिश्ते ऐसे टूटेंगे तो नहीं, लेकिन उसके अलावा एक जो व्यवहार का या व्यापार का या आर्थिक कोई भी ऐसे रिलेशन हमारे मेरे इस कुटुंब के यानी हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुजब जो शादी के बाद का परिवार लेडी का गिना जाता है वही उसका परिवार कहा जाता है, उसका और उस परिवार सा ऐसा कोई भी आर्थिक या बिजनेस रिलेशन नहीं था। पर उसके बावजूद उस दौरान काफ़ी सारे आरोप हुए कि ये जितनी संपत्ति है वो कहीं ना कहीं गैर रीति से आई हुई संपत्ति है। तो वो ये बात मेरे बात में जहन में तभी से थी, लेकिन उस समय वो पीरियड ऐसा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं बिजी रहने की वजह से या थोड़ा सा देखिए उस वो माइंड उस तरफ लगा रहने की वजह से शायद जो नहीं तब कर पाई। अब मुझे ये लग रहा है कि विरोधियों ने अभी तक बोलना बंद नहीं किया है, तो अब उसका एक कानूनन तरीका यही है कि कानूनन मेरी जो भी आपको चौकसी करनी है मेरी संपत्ति की, मेरे परिवार की संपत्ति की, वो करिए और उसके बाद आप इस निर्णय पे आइए कि ये गैर रीति से आया हुआ है या नहीं। और मैंने राष्ट्रपति जी से ये भी निवेदन किया है कि उसको जाहिर में उसका ये रखा जाए, जो भी निष्पन्न उसका होता है उसका जाहिर में रखा जाए ताकि लोगों को भी ये मालूम पड़े। और मैंने एक बात और कही है, अगर कहीं उसमें मैं दोषी पाई गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी, तो मैं इस बात पर भी कायम हूँ। लेकिन अभी जिस तरीके से जो स्टैंड आपने लिया, दो धड़ों में लोग बट गए हैं। एक धड़े का मानना है कि गीता जैन ने जो ये स्टैंड लिया है वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय, इस तरीके के देश के सभी MP विधायक लोक प्रतिनिधियों को करना चाहिए। वही दूसरा दल वर्ग है वो सीधा आरोप लगा रहा है कि ये सीधी सीधी स्टंटबाजी है। गीता जैन को अगर जांच करवानी थी तो गृह मंत्री को लिखते, मुख्यमंत्री को लिखते, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को लिखते, CBI को लिखते, राष्ट्रपति को क्यों? वो सर्वोच्च पद है हमारे देश का एक, और जिसको जो मानना है उसके मानने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जिनको जो चीज़ माननी है, मैंने अपना मकसद आपको बता दिया, बाकी जिसको जो मानना है वो मानने की बाध्यता मैं नहीं कर सकती कि आपको यही चीज़ माननी है। क्या इस तरीके की जांच सिर्फ लोक प्रतिनिधियों की ही होना चाहिए? क्या सोचती है गीता जैन इस संदर्भ में, जानते उनसे? देखिए मैंने ये अपना किया और मैंने कहा कि सबने ये फॉलो करना चाहिए, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पगारदार ट्रॉलर करने वाले, ट्रेलिंग करने वाले रहते हैं, तो वो हर तरह की भाषा लिखते हैं। अब ये मैंने अपनी निखालस जांच कराने की मांग की, उनके भी उनको कुछ ना कुछ ट्रेलिंग करनी है, तो वो उनको उस बात का पगार मिलता है और वो करेंगे, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगता। तो ट्रॉल आर्मी के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरीके से ट्रॉलिंग करने के लिए है उन्हें बाकायदा वेतन मिलता है, इसलिए उनके कहने पर या सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक या उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहे। शहर में जो तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं, स्टंटबाजी का जो आरोप लगा रहे हैं, गीता जैन ने साफ साफ कहा कि जिसे जो मानना है वो माने, वो अपना काम इस तरीके से करते रहेगी और वो चाहती है कि इसकी जांच हो और राष्ट्रपति इस जांच के बाद अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाए।